सो गाइस, यहाँ पे मैंने अपनी स्किन केयर रूटीन कंप्लीट कर ली है, तो अभी मैं प्राइमर यूज करूंगी। प्राइमर के लिए मैंने लिया है NY बे के सिलिकॉन बेस प्राइमर। नेक्स्ट फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है लैक्मी इनविजिबल फाउंडेशन। इसमें मेरा जो शेड है मुझे याद नहीं है, लिंक मैं दे दूंगी। सो इसे मैं अच्छे से अपने पूरे फेस एरिया पे, नेक एरिया पे अप्लाई कर लूंगी। उसके बाद अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग के लिए जो मैंने ब्लेंडर लिया है वो है पुना स्टोर के ब्लेंडर, एंड इसे मैं अच्छे से पानी पे गीला करके स्क्वीज आउट कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे करेक्टर के लिए ले रही हूँ NY बे के करेक्टर, बहुत ही मिनी वाली। इसकी रिव्यू मैंने डाली है वीडियो पे, बहुत ही अच्छी वाली करेक्टर है। आई थिंक ये कंसीलर करेक्टर एंड कॉन्ट्रोल एक साथ मिलती है, बहुत ही मिनी साइज है, अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं टेक वर्की की कंसीलर अप्लाई करी हूँ। ये फर्स्ट कंसीलर है जो मैं अप्लाई करी हूँ, एंड दिस इज सो अमेजिंग गाइस। आप देख सकते हैं उसकी पिगमेंट कितनी अच्छी है, इतनी अच्छी वाली कवरेज है इसकी। अगर आप फाउंडेशन अप्लाई नहीं करते हो, सीधा अगर आप कंसीलर अप्लाई करते हो तो भी हो जाएगा, बहुत ही अच्छी वाली कंसीलर है। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन फिट मी की कॉम्पैक्ट, एंड दिस इज सो अमेजिंग गाइस। आई लव दिस प्रोडक्ट, मतलब इतनी अच्छी इसकी जो कवरेज है इतनी अच्छी है, एंड ऑल्सो इसकी जो हल्की हल्की स्मेल है बहुत ही ब्यूटीफुल है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं एक स्पूली के हेल्प से अपने आईब्रो को सेट कर रही हूँ। उसके बाद लिक्विड आईब्रो फिलर अप्लाई कर रही हूँ, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो मैं इसे अच्छे से, एक्चुअली मैंने आईब्रो अच्छे से बनाई नहीं है, सो थोड़ी इधर उधर की हो गई है, लेकिन हाँ बाद में बैलेंस हो गई। उसके बाद कंसीलर के हेल्प से मैं अपने आईब्रो को इन्हेंस कर रही हूँ कि थोड़ी सी क्लीन दिखे। से मैं अपने पूरे आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ एज ए आई कंसीलर, बहुत ही अच्छी वाली कंसीलर है गाइस, आई लव दिस डार्लिंग एगा वाले के बाद मुझे ये अच्छी लगी ये कंसीलर। नेक्स्ट उसी कॉम्पैक्ट को मैं अच्छे से अपने आई बेस को सेट कर रही हूँ। अभी मैं NY बे के कॉन्ट्रर अप्लाई कर रही हूँ, ये स्टिक कॉन्ट्रर है, एंड इसकी जो टेक्सचर है वो बहुत ही क्रीमी है एंड अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। ये बहुत पहले ही मैंने यूज़ किया था, सो आज फिर मैंने यूज़ किया, तो इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्टोर को एनहेंस करने के लिए मैं फिर से कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ ताकि उन्हें थोड़ी सी विजिबल दिखे। नेक्स्ट नोज कॉन्ट्रिंग के लिए मैंने एक ब्रश के हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी नोज मेरी थोड़ी बड़ी दिखे। ओके, तो अभी आई मेकअप के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ रेवोल्यूशन की आई मेकअप प्लेट, बहुत ही अच्छी वाली प्लेट है। इससे मैं न्यूड वाली शेड अपनी क्रीज एरिया पे अप्लाई करूंगी। अच्छी तरह से गाइस ब्लेंड करना है, मुझे ब्लेंडिंग में बहुत टाइम लगी है, कम से कम मैंने 5 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड किया। यहाँ पे मैंने स्पीड मोड पे डाल दिया है तो आपको बहुत फास्ट लग रही होगी, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, आपकी आई मेकअप उभर के आएगी। नेक्स्ट मैं उसी पैलेट से ब्लैक शेड को अप्लाई कर रही हूँ ताकि एक स्मोकी लुक आ जाए, एंड गाइस अच्छा लगता है अगर आप कोई भी आई मेकअप करते हो और उस पर अगर आप एक स्मोकी इफेक्ट डाल सकते हो तो वो आई मेकअप बहुत ही अच्छी लगती है। पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, आई डोंट नो आप लोग को कैसा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मेरी हर एक आई मेकअप में थोड़ी सी स्मोकी इफेक्ट रहे। सो दिस इज़, और इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि
सब आई मेकअप थोड़ी ब्लेंडेबल दिखे। ओके नेक्स्ट, तो यहाँ पे स्विस ब्यूटी की पैलेट ले रही हूँ और यहाँ से मैंने एक यू नो मेटलिक ग्रीन कलर की शेड ली है एंड लुक एट दैट शेड गाइज, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ पिगमेंटेड गाइज, बहुत ही अच्छी लगी। मैंने ऐसी वाली शेड कभी अप्लाई नहीं किया था, कभी यू नो यूज़ नहीं किया था, तो आज किया। आई लव दिस शेड। एंड उसके बाद स्विस ब्यूटी की लिक्विड आई शेडो में यहाँ पे अप्लाई करूँगी, ये भी बहुत ही अच्छी है गाइस, मस्ट रिकमेंडेशन। अगर आप यू नो लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ये बिगिनर फ्रेंडली भी है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, बहुत ही एफोर्डेबल पे आपको मिल जाती है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, चेक कर लेना। एंड दिस इज़ सो ऑसम एंड लुक एट दैट माई आई मेकअप, आई लव दिस आई मेकअप। अभी मैं उसी शेड को मेटेलिक शेड को अपने आई पे अप्लाई करी हूँ ताकि सेट हो जाए। उसके बाद क्रीज एरिया पे वही न्यूड शेड में अप्लाई करूँगी ताकि ब्लेंडेबल दिखे। आप बताना गाइस आई मेकअप आपको कैसी लगी। एंड यहाँ पे मैं अभी ब्लू हेवन की आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ एंड दिस इज़ सो ऑसम गाइस, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, प्राइस भी बहुत ही अफोर्डेबल है, अंडर 100 आपको ये आईलाइनर मिल जाती है एंड इसे अप्लाई करने में भी बहुत इजी है, सो आप अप्लाई कर सकते हो एंड आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट लैश ग्लू के लिए मैं यहाँ पे पैक की ग्लू अप्लाई कर रही हूँ एंड लैश के लिए मैंने मैक के लैश लिए है। एंड This is my eye makeup look and this is so amazing guys, मुझे खुद अपने eye makeup को देख के अच्छा लग रहा था। एंड या दिस इज, उसके बाद स्टिक वो की मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ, ये ब्लू शेड में है एंड मुझे अपने आई मेकअप के अकॉर्डिंग मुझे ग्रीन शेड नहीं मिल रही थी तो मैंने ब्लू शेड ही अप्लाई कर लिया। एंड उसके बाद भी मेरी मुझे अच्छा लगा, अपने आई मेकअप की कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगा एंड ब्लू ब्लैक न्यूड ग्रीन ये जो कॉम्बिनेशन है मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आई डोंट नो आप लोग को कैसा लगेगा लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड कॉम्पैक्ट की हेल्प से मैं अपने यू नो जो भी फॉल आउट हुई है उसे मैं क्लीन कर रही हूँ, वैसे तो कुछ भी फॉल आउट नहीं हुए थे लेकिन हाँ क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद ब्लू हेवन की मैंने ब्लशर प्लेट लिया है सिग्नेचर, इसकी जो ब्लशिंग है गाइस इतनी पिगमेंटेड नहीं है सो आई एम नॉट हैप्पी बट ओके ओके, अभी काम चलाओ पैलेट है तो आप ले सकते हो, अगर आप एफोर्डेबल रेंज में अगर ढूंढ रहे हो तो आप ले सकते हो लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करती इस प्लेट को। नेक्स्ट मैं स्विस ब्यूटी की हाइलाइटिंग एंड ब्रॉन्जिंग प्लेट ले रही हूँ और यहाँ से मैंने ब्रॉन्जिंग शेड अप्लाई किया है, थोड़ी सी ब्रॉन्जिंग अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर ली है। उसके बाद मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया एंड गाइस यहाँ पे मेरे से हाइलाइटर थोड़ी कम लग गई, मतलब मैंने सोचा था कि थोड़ी ज़्यादा करके लगाऊँ ताकि मेरी यू नो फेस मेरी मेकअप थोड़ी सी ग्लोई एंड यू नो हाइलाइटिंग मतलब ग्लोई दिखे, तो थोड़ी सी कम लग गई मेरी हाइलाइटिंग। सो यहाँ पे मैंने के ब्यूटी की मैं लिप लाइनर अप्लाई करी हूँ एंड दिस इज़ सो ऑसम गाइस, थोड़ी सी प्राइसी है लेकिन बहुत ही अच्छी है, आप इससे यू नो एज ए लिपस्टिक्स भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैं वेला वोस्ट की पिंक शेड अप्लाई करी हूँ, इसमें आई थिंक मेरा जो शेड है वो 28 आई थिंक मुझे याद नहीं है, लिंक मैं डाल दूँगी। सो दिस इज़ माई लुक एंड आई मेकअप सॉरी मुझे लिपस्टिक की शेड भी बहुत अच्छी लगी, मैट लिपस्टिक है एंड उसके ऊपर लिप टॉपर अप्लाई करी हूँ, के ब्यूटी के लिप टॉपर है लाइक हाइलाइटर, इसे आप लिप हाइलाइटर भी बोल सकते हो। सो या दिस इज़ ए लुक। के बाद मैंने अपने इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर अप्लाई किया है, उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी के सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ एंड ये बहुत ही अच्छे वाले सेटिंग स्प्रे है गाइस, आप मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप इसे ले सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल है।
कैंडिस बूम, आप लोग बताना गाइज मेरी ये मेकअप लुक आप लोग को कैसी लगी। बालों को मैंने सिंपली रख लिया एंड बताना कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।